हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर साधना एमपी 17 ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को रीवा के 450 वर्ष पुराने काली माता के मंदिर के दर्शन कराऊंगी, जो कि आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा। देरी ना करते हुए ब्लॉग को शुरू करते हैं। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। नवरात्र के दिनों में इस मंदिर में मेला लगता है और कहा जाता है नवरात्र के दिनों में यहाँ हर रोज चमत्कार होते हैं। सीढ़ियों से चलते हुए हम लोग मंदिर परिसर में आ गए हैं। ये देखिए मंदिर, आइए पास से देखते हैं। पुजारी जी बैठे हुए हैं। आइए सामने से देखते हैं। माता जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। दोस्तों कैसी लग रही हूँ मैं? आइए इधर। ये है भगवान शिव का मंदिर। जो कि अभी बंद है। वो देखिए तालाब के बीचों बीच बना हुआ भगवान शिव का मंदिर, जहां हम अभी बोट से जाने वाले हैं। ये कौन है भाई? आइए देखिए, ये रहा एक और शिव भगवान का मंदिर। ये देखिए यहाँ पे बकरियां भी भगवान का दर्शन करने आई हैं। आइए थोड़ा आराम कर लेती हूँ, थक गई हूँ। ये देखिए पीछे भगवान का मंदिर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए इन लोगों को लग रहा है छुप छुपा के यहाँ आए हैं। ये है फूड पॉइंट। आइए ऊपर चलकर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पे बैठ के आप स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए इधर। यहाँ पे नदी क्रॉस करने के लिए छोटा सा पुल बना हुआ है। ये देखिए तालाब का नजारा।
दोस्तों बहुत मस्त हवा चल रही है। देखिए दोस्तों तालाब में कितने प्यारे प्यारे बतख तैर रहे हैं, देखिए पास से। यहाँ पे मैं बोटिंग का इंतजार कर रही हूँ। फाइनली हम अपनी बोट पे आ गए। दोस्तों थोड़ी सेल्फी ले लेती हूँ, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा सा पानी में खेल लेती हूँ, बहुत मजा आ रहा है। ये मेरी बत्तख इतना धीरे क्यों चल रही है, लग रहा है इसका गला दबा दूँ। और वो रहा मंदिर जहां से अभी हम लोग आए हैं घूमकर। ये रहा शिव भगवान का मंदिर, जिसे पास से देखने के लिए हम लोग बोट से आए हैं। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। कहा जाता है कि यह तालाब लवाना जाति के लोगों द्वारा तत्कालीन महारानी कुंदन कोवरी को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के बदले उपहार रूप में दिया गया था। तब से इस तालाब का नाम रानी तालाब पड़ा। दोस्तों हम लोग बोटिंग करके वापस आ गए। दोस्तों यहाँ पे बोटिंग के लिए पर पर्सन 50 रुपए और घूमने के लिए पर पर्सन 10 रुपए का टिकट लगता है। ये है यहाँ का पीछे का गेट। आइए दिखाती हूँ, यहाँ पे एक और मंदिर है। यहाँ के दर्शन करते हैं और ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए बाहर चलते हैं। प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग ला सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।